जो इस्लामपुर तटस्थ की तरफ जाती है, इस्लामपुर जहाँ से मगध चलती है। हे यो व्हाट्सअप गाइज, आप सबको मेरा सलाम नमस्ते आदाब और सत श्री अकाल। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ जुनैद और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जयेश जर्नी में। तो गाइज आपके लिए मैं चल पड़ा फिर से एक नए सफर की तरफ। तो चलते हैं आज की वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइज हमारी आज की जर्नी होने वाली है गाड़ी संख्या 02352 राजेंद्र नगर हावड़ा ओवरनाइट सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। ये ट्रेन डेली शाम को 9:10 पर राजेंद्र नगर टर्मिनल से खुलती है और अगले दिन सुबह 6:40 पर हमें हावड़ा पहुंचाती है। और इस ट्रेन के टोटल 18 हॉल्ट है और ये ट्रेन 9:30 में टोटल 528 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है विद स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन का मैक्सिमम परमिशन स्पीड है वो 130 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस अभी घर में बज रहे हैं शाम का 7:40 और अभी मैं आ चुका हूँ राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन के बाहर। आप पीछे देख सकते हैं और सामने आप ये देखिए कितना शानदार और कितना फर्स्ट क्लास स्टेशन बनाया गया है। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा स्क्रीनिंग वगैरह कुछ होता भी है नहीं। तो चलते हैं अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई स्क्रीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। लोग खरीदने से अंदर जा रहे हैं और ये सैनिटाइजिंग जो मशीन है वो भी ऐसे पड़ा हुआ है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ स्टेशन के अंदर और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और अपनी जो गाड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही आने वाली है। लेकिन अभी जो आप ये ट्रेन देख रहे हैं ये है साउथ बिहार एक्सप्रेस जो कि राजेंद्र नगर से दुर्ग के बीच चलती है और इसका टाइम भी लगभग यहाँ से खुलने का हो चुका है। 8:25 पर इसके यहाँ से खुलने का टाइम है। जब ये ट्रेन यहाँ से जाएगी इसके बाद अपनी ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगेगी। तो जब हमारी ट्रेन यहाँ पर आती है तब मैं दिखाता हूँ आपको हमारी ट्रेन का प्लेटफॉर्म 2 पर अराइवल। तब तक आप जर्नी में बने रहिए। फाइनली अपने ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुके हैं और अपना कोच ये सामने रहा है S8। तो चलते हैं अपने कोच में और फिर मैं आपको अपना सीट दिखाता हूँ। अपना सीट ये रहा 39 नंबर RAC वाली है। तो आज मैंने अपने सीट पे अपना बैग रख दिया है। तो चलिए मैं अपने ट्रेन का इंटीरियर दिखा दूँ। तो आप ये देख सकते हैं सामने मिरर बहुत ही साफ सुथरा और चकाचक है और ये है चार्जिंग सर्किट से टूटा हुआ है आपको दिख रहा होगा। और ये ऊपर लाइट वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, 3 फैन लाइट वगैरह सब कुछ है, साफ सफाई बहुत ही बढ़िया है। और ये सीट देखिए और इधर भी देख सकते। तो गाइस ये रहा हमारा आज का लोकोमोटिव हावड़ा सेट का 3917857 लोकोमोटिव है और अभी इसका पेंडो कोड आप ऊपर नहीं किया गया है। तो चलिए मैं आपको इस लोकोमोटिव का फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा इस लोकोमोटिव का फ्रंट व्यू। भैया एक पानी का बोतल दीजिएगा, एक पानी का बोतल और एक 5 वाली नमकीन। थैंक यू। हेलो ठंडा नहीं है भैया, नॉर्मल पानी चल रहा है। तो गाइस हमारे ट्रेन पटना जंक्शन से निकल चुके हैं और हमारा जो अगला हॉल्ट है वो है पटना साहिब। तो चलिए मिलकर डायरेक्ट पटना साहिब। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपना पहला हॉल्ट पटना साहिब जिसका स्टेशन कोड है PNC। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और 7 ट्रैक्स है। अब कोविड से पहले यहाँ पर 109 ट्रेनों का हॉल्ट था लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 58 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गाइस ये स्टेशन ओपन हुआ था 1861 में और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 2017 में। और इस स्टेशन का पुराना नाम था बेगमपुर और यहीं पर गुरु गोविंद साहिब जो सिखों के 10वें गुरु थे उनका यहाँ पर गुरुद्वारा है, लोग यहाँ पर भी घूमने आते हैं। तो हमारी ट्रेन का यहाँ से खुलने का टाइम हो चुका है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर।
सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपना दूसरा हॉल्ट फतुहा, जिसका डिसन कोड है FUT। यहाँ पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और 10 ट्रैक्स है। और कोविड से पहले यहाँ पर 3 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट कर दी थी और 84 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 42 ट्रेनों का ही हॉल्ट है और हमारी ट्रेन यहाँ पर आई है लगभग 5 मिनट डिले। और गैस फतुहा से एक ब्रांच लाइन भी खुलती है जो कि नटेसर और इस्लामपुर की तरफ जाती है, इस्लामपुर जहाँ से मगध एक्सप्रेस चलती है। मगध एक्सप्रेस का भी ब्लॉग बहुत ही जल्द आने वाला है, वो भी लाइन में ही है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलते डायरेक्ट अपने अगले हॉल्ट पर। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं खुसरोपुर, जिसका स्टेशन कोड है KOO। यहाँ पर टोटल 2 प्लेटफॉर्म है और 4 ट्रैक्स है। और कोविड से पहले यहाँ पर 7 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 22 ट्रेनों का ही हॉल्ट है और हमारी गाड़ी यहाँ पर आई है लगभग 10 मिनट डिले। तो हमारी गाड़ी का सिग्नल हो चुका है, तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। तो गाइस अपनी ट्रेन खुसरोपुर से निकल चुके हैं, हमारी गाड़ी का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट था, लेकिन हमारी गाड़ी यहाँ पर 10 मिनट डिले आई। बाय बाय खुसरोपुर। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे कोच में बहुत सारी सीटें खाली है, इसमें उसमें उस पर बहुत सारी सीटें खाली है। तो आगे चलकर देखते हैं, अगर सीट खाली रही तो मैं अपना जो RAC है उसे मैं कन्फर्म करवा लूँगा। और वैसे अभी 3rd AC में ना लगभग 150 सीट खाली है, तो मैं वो भी बात करूँगा कि अगर स्लीपर क्लास में कन्फर्म ना हो पाए तो मेरा सीट को अपग्रेड करके 3rd AC में भेज दिया जाए। और हाँ गाइस, अभी तक ना ही मैंने डिनर किया है और ना ही अभी तक मैंने आपको वाशरूम दिखाया है, क्योंकि डिनर करने का मुझे मौका ही नहीं मिला और डिनर के बाद मैं आपको वाशरूम दिखाऊंगा। तो देखते हैं अब मुझे डिनर करने का मौका कब मिलता है। तो इस ट्रेन का जो हॉल्ट इतना जल्दी जल्दी है ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो देखते हैं कब टाइम मिलता है। तो आप जर्नी में बने रहिए और जर्नी को इन्जॉय करते रहिए। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बख्तियारपुर, जिसका रिसन कोड है BKP। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और 6 ट्रैक्स है। और कोविड से पहले यहाँ पर 3 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट कर दी थी और 130 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 72 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गाइस यहाँ से एक ब्रांच लाइन निकलती है जो कि नालंदा और राजगीर की तरफ जाती है, और हमारी गाड़ी का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट है और हमारी गाड़ी यहाँ पर लगभग 20 मिनट डिले आई है। तो गाइस अभी घर में बज रहे हैं रात के 10:30 और हम लोग बख्तियारपुर से निकल चुके हैं और हमारा जो अगला हॉल्ट है वो है बार, जो कि लगभग 10 मिनट में आ ही जाएगा। और हाँ गाइस, अभी तक मैंने डिनर नहीं किया है तो फिलहाल मैं बार को स्किप करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बार दिखा चुका हूँ, तो आज मैं बार को स्किप करने वाला हूँ डिनर के लिए, क्योंकि अगर मैं बार को अगर कवर करूँगा तो फिर मेरा डिनर नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ डिनर करने और मैं तो आपसे डायरेक्ट अपने अगले हॉल्ट मुकामा में बार को मैं स्किप करने वाला हूँ। तो गाइस ये रहा मेरा आज का डिनर, इसमें सब्जी है, आलू की सब्जी है और ये रही पूरी। तो अभी मैं इसे फटाफट ख़त्म करता हूँ, तब तक आप जर्नी में बने रहिए और जर्नी को एंजॉय करते रहिए। तो गाइस हमारा डिनर हो चुका है और थोड़ी देर में हमारा अगला हॉल्ट आने वाला है मोकामा, तो चलिए मिलते हैं आपसे डायरेक्ट मोकामा में। और मोकामा के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इस ट्रेन का वॉशरूम। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मोकामा, जिसका स्टेशन कोड है MKA। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और 8 ट्रैक्स है। और कोविड से पहले यहाँ पर 8 ट्रेन ओरिजिनेट टर्मिनेट कर दी थी और 128 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 87 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गाइस मोकामा फेमस है मसूर की दाल के लिए, पूरे इंडिया में दूसरा सबसे ज़्यादा मसूर की दाल उत्पादन करने वाला जगह है मोकामा।
तो गाइज हमारे ट्रेन मोकामा से निकल चुके हैं, तो चलिए आप आपको इस ट्रेन का वाशरूम का कंडीशन दिखा दूँ। तो गाइज ये देख सकते हैं सामने मिरर है, साफ़ सुथरा, लेकिन छोटा लेकिन बहुत ही साफ सुथरा है। नीचे आप देख सकते हैं बेसिन, पानी आ रहा है यहाँ पे, नीचे डस्टबिन नहीं है यहाँ पे, फर्स्ट सर ये डस्टबिन रहा। तो चलते हैं आप टॉयलेट के अंदर। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ इस ट्रेन के वाशरूम के अंदर, आप देख सकते हैं सामने मिरर है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही साफ सुथरा है। ये ऊपर लाइट भी है, नीचे बेसिन रहा, बेसिन में पानी आ रहा है, आपको दिक्कत होगा। नीचे की साफ़ सफाई आप देख सकते हैं, साफ़ सफाई बहुत ही बढ़िया है, सिर्फ लाइटिंग थोड़ी सी कम है लेकिन साफ़ सफाई बहुत ही बढ़िया है, A1 है। तो गाइज हमारे ट्रेन हाथीदा आ चुकी है और हमारी गाड़ी का आप देख सकते हैं सामने कितना अंधेरा है, और इधर भी अंधेरा है बिल्कुल। और हमारी गाड़ी यहाँ पे सिर्फ 10 सेकेंड ही रुकी है, क्योंकि हमारी गाड़ी यहाँ पे 20 मिनट लगभग लेट आई है। तो आपको हाथीदा के बारे में बता दूँ कि यहाँ पर टोटल 2 प्लेटफॉर्म है, और कोविड से पहले यहाँ पर 59 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 22 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और एक हाथीदा स्टेशन जो है वो ऊपर भी आता है, आप कभी दिन में आऊँगा तो मैं दिखाऊँगा। तो हमारी ट्रेन यहाँ पे 10 सेकेंड रुकी, तो चलिए आप इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर एंजॉय कीजिए। इसे हाथीदा रेलवे स्टेशन के ऊपर एक और हाथीदा रेलवे स्टेशन है, मतलब एक ही नाम पे 2 स्टेशन, और जो इसके ऊपर मतलब ऊपर से बना हुआ है, कभी मैं आपको दिन में अगर कभी इस रूट को अगर कवर करूँ तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। इसके ऊपर वाला जो हाथीदा रेलवे स्टेशन है वो चला जाता है राजेंद्रपुर होते हुए बरौनी की तरफ। तो चलते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं सब पे अगले हॉट लखीसराय में। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं लखीसराय, जिसका स्टेशन कोड है LKR। यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म है और 6 ट्रैक्स है, और कोविड से पहले यहाँ पर 86 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 32 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गाइस ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये उधर वो सीधे जाती है गया की तरफ, तो हमारे गाड़ी यहाँ से खुल चुकी है आप देख सकते हैं। तो चलिए आप इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर इन्जॉय कीजिए। डिपार्चर इधर से दिखाता हूँ, तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं क्यूल, जिसका स्टेशन कोड है KIUL। यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और 9 ट्रैक्स है, और कोविड से पहले यहाँ पर 12 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट कर दी थी, और 160 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 111 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और हमारी गाड़ी यहाँ पर लगभग 20 मिनट डिले आई है। तो गाइस हमारी ट्रेन का यहाँ से सिग्नल हो चुका है और हमारी गाड़ी यहाँ से निकल भी चुकी है, और हमारी गाड़ी ना मुश्किल से 1 मिनट हर स्टेशन पर रुक रही है। और ये रहा क्यूल का छोटा सा टैग बोर्ड स्टेशन बोर्ड, और गाइस यहाँ से ये वो वाली जो लाइन आप देख रहे हैं वो भागलपुर की तरफ चली जाती है, भागलपुर मालदा तरफ, जिसे साहिबगंज लूप भी कहते हैं। तो गाइस घड़ी में बज रहे हैं रात के 12:15, और हमारे गाड़ी क्यूल से निकल चुके हैं, और हमारा जो अगला हॉल्ट
है जमुई, वो 12 के बाद आएगी क्योंकि हमारी ट्रेन यहीं पर लगभग 20 मिनट डिले हो चुकी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि मेरा सीट RAC है तो सोने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं आज जल्दी सो रहा हूँ। तो चलते अभी मैं जा रहा हूँ सोने और मिलता हूँ आपसे कल सुबह, जहाँ भी मेरी आप खुली मैं वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो चलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड नाइट। The next morning. सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी घर में बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग आ चुके हैं अपना सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन वर्धमान, जिसका रीजन कोड है BWN। यहाँ पर टोटल 8 प्लेटफॉर्म है और 10 ट्रैक्स है, और कुछ से पहले यहाँ पे 20 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट करती थी और 209 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 124 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1855 में और सिलेक्टिफायर किया गया था 1958 में, और वर्धमान में एक लोको सेट भी है और यहाँ पर EMU पार्किंग स्लॉट भी है, और वर्धमान पूरे इंडिया का सबसे शिक्षित जिला भी है। और गाइज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पूरे 10 मिनट बिफोर। और गाइज वर्धमान से एक ब्रांच लाइन खुलती है जो सीधे जाती है कटवा की तरफ, और गाइज आप पीछे देख सकते हैं ये लक्ष्मण झूला टाइप जो ब्रिज है, ऐसा पटना में भी आपने देखा ही होगा। और ये वर्धमान का स्टेशन बोर्ड, तो जब हमारी ट्रेन यहाँ से खुलती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर। ये जो आप देख रहे हैं यही वर्धमान लोको सेट है, इसमें बहुत सारे अल्को EMD लगे हुए हैं। बारिश स्टार्ट हो गई हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना डेस्टिनेशन हावड़ा जंक्शन, जिसका डिस्टन कोड है HWH। यहाँ पर टोटल 23 प्लेटफॉर्म है और 23 ट्रैक्स है, कोविड से पहले यहाँ पर 133 ट्रेन ओरिजिनेट टर्मिनेट करती थी और 20 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 82 ट्रेन ही ओरिजिनेट टर्मिनेट और उनका हॉल्ट है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1854 में और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1954 में, और ये इंडिया का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर पर डे पूरे 1 मिलियन लोग ट्रेवल करते हैं, और अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी इंडिया का अभी भी सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है ये। और हाँ गाइज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पूरे 15 मिनट बिफोर। और गाइज इस ट्रेन के फेयर के बारे में बात करूँ तो राजेंद्र के टर्मिनल से हावड़ा के बीच इस ट्रेन में सीटर स्लीक रहा है 215 रुपये, स्लीपर क्लास का 435, थर्ड AC का 1165, सेकेंड AC का 1665 और फर्स्ट AC का 2520 रुपये। और गाइज जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, क्यों तक हमारी ट्रेन मतलब हर स्टेशन पर 15 मिनट 20 मिनट ऐसे लेट आती रही, और सुबह वर्धमान में हमारी ट्रेन 10 मिनट बिफोर आई और यहाँ पे भी लगभग 15 मिनट बिफोर आई। तो मतलब मिला जुला कर बोलूँ तो इस ट्रेन का जो जर्नी एक्सपीरियंस था बहुत ही बढ़िया था, साफ़ सुथरा था, वाशरूम कंडीशन बहुत ही साफ़ सुथरा था, कोच कंडीशन बहुत ही साफ़ सुथरा था, स्पीड 130 में बहुत ही मज़ा आया। लेकिन हाँ क्यूर से पहले जितने भी स्टेशन थे सब पर जो लेट आए ना बस वो ख़राब रहा, मतलब मुझे ब्लॉगिंग करने में सही से बढ़ नहीं रहा था, और जितने भी पैसेंजर थे उनको दौड़ दौड़ कर ट्रेन पकड़ना पड़ रहा था, बस ये एक प्रॉब्लम दिखी मुझे। तो चलते हैं इस सब तभी जर्नी करता हूँ यहीं पर समाप्त, और मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। और हमारी जो अगली वीडियो है वो आज ही शूट होने वाले हैं, अभी बस 2 घंटे बाद ही,
धौली एक्सप्रेस का वीडियो मैं शूट करने वाला हूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो यानी धौली एक्सप्रेस के ब्लॉग में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और अपने भाई के साथ यूँ जर्नी करते रहिए। और मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।